वेलकम टू नेक्स्ट एग्जाम। आज हम शिक्षक भर्ती लिखित परीक्षा के लिए पर्यावरण का एक मॉडल पेपर डिस्कस करेंगे। ये एक मॉडल पेपर है जिसमें पर्यावरण के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दिए गए हैं। आप इस मॉडल पेपर को सॉल्व करें और जो भी क्वेश्चन आपसे गलत हो जाए उसे आप याद जरूर कर लें, क्योंकि सारे क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं। कोई भी क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, ग्रीन पीस इंटरनेशनल का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है? तो ग्रीन पीस इंटरनेशनल का मुख्यालय है एम्स्टर्डम में। कहाँ पे है? एम्स्टर्डम में। ये बहुत ज़्यादा कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछा जाता है कि ग्रीन पीस इंटरनेशनल का मुख्यालय कहाँ पे है, तो आप याद रखें एम्स्टर्डम में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इकोमार्क किस भारतीय उत्पाद को दिया जाता है? जो उत्पाद पर्यावरण के लिए इको फ्रेंडली होता है उसको दिया जाता है इकोमार्क। तो इसका आंसर आप क्या लिखेंगे? पर्यावरण के प्रति मैत्रीपूर्ण उत्पादों को दिया जाता है इको मार्क। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पर्यावरण संरक्षण के लिए ग्रीन आर्मी को किस देश में आरंभ किया गया? तो पर्यावरण संरक्षण के लिए ग्रीन आर्मी को कहाँ पे आरंभ किया गया? ये किया गया था ऑस्ट्रेलिया में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वन अनुसंधान संस्थान कहाँ पर स्थित है? तो वन अनुसंधान संस्थान है देहरादून में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वन ह्रास का मुख्य कारण कौन सा है? वन ह्रास का मुख्य कारण है औद्योगिक विकास। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नंदा देवी जीव मंडल किस राज्य में है? नंदा देवी जीव मंडल है उत्तराखंड में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बेतला पार्क कहाँ पर स्थित है? बेतला पार्क है बिहार में। कहाँ पे? बिहार में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऊर्जा के किस रूप में प्रदूषण की समस्या नहीं होती है? तो आप जानते हैं सौर ऊर्जा में प्रदूषण की समस्या नहीं होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ग्लोबल 500 पुरस्कार किस लिए प्रदान किए जाते हैं? तो ग्लोबल 500 पुरस्कार प्रदान किए जाते हैं पर्यावरण प्रतिरक्षा के लिए। किस लिए? पर्यावरण प्रतिरक्षा के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मेधा पाटकर का नाम किस आंदोलन से जुड़ा है? ये क्वेश्चन आपके लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट है, आप याद कर लें कि मेधा पाटकर का नाम जुड़ा है नर्मदा बचाओ आंदोलन से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, तम्बाकू निरोध दिवस प्रतिवर्ष कब मनाया जाता है? तो तम्बाकू निरोध दिवस या तम्बाकू निषेध दिवस मनाया जाता है 31 मई को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रदूषण युक्त वायुमंडल किसके द्वारा स्वच्छ होता है? तो प्रदूषण युक्त वायुमंडल स्वच्छ होता है वर्षा के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चेर्नोबिल दुर्घटना क्या है? चेर्नोबिल दुर्घटना एक नाभिकीय दुर्घटना थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चिपको आंदोलन मूल रूप से किसके विरुद्ध था? चिपको आंदोलन था वन कटाई के विरुद्ध में। मैंने आपको चिपको आंदोलन के बारे में बताया था कि ये कब हुआ था, 1973 में, और इसके नेता कौन थे? इसके नेता थे सुंदरलाल बहुगुणा और इसके प्रणेता थे चंडी प्रसाद भट्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मानव जनित पर्यावरणीय प्रदूषण क्या कहलाते हैं? तो मानव जनित पर्यावरणीय प्रदूषण कहलाते हैं एंथ्रोपोजेनिक। तो ये था पर्यावरण का एक मॉडल पेपर। आपको ये मॉडल पेपर कैसा लगा हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताना। अब आपके लिए एक क्वेश्चन, इस क्वेश्चन का आंसर आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। क्वेश्चन है, पृथ्वी पर ऊर्जा का सबसे बड़ा स्रोत क्या है? आपको कमेंट बॉक्स में बताना है कि पृथ्वी पर ऊर्जा का सबसे बड़ा स्रोत क्या है। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा तो इसे लाइक करें, शेयर करें, और अगर अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, क्योंकि मैं कम्पिटिटिव एग्जाम के इंपॉर्टेंट टॉपिक्स की वीडियो लेकर लगातार आता रहता हूँ। और एक और इम्पोर्टेंट बात, आप इस मॉडल पेपर की PDF फाइल इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन से डाउनलोड कर सकते हैं। तो अब दबाओ लाइक, बताओ अपना आंसर कमेंट बॉक्स में, और इस वीडियो को कर दो शेयर। थैंक्स फॉर वॉचिंग।